पांच हजार लोग उतरेंगे, मैं करूंगा, बोलेंगे मैं करूंगा, खड़े ना पीछे। हाँ रुचित भाई, दूसरे को दे दिया, ले रहे हो बच्चे, चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। और गेंदबाजी के लिए यहाँ पे कृष्णा सर आए हैं और बैटिंग के लिए आप देख सकते हैं दिनेश और अखिलेश। पहली गेंद लेकर बढ़िया अच्छा प्लेसमेंट सिंगल के लिए रचेला पॉइंट के क्षेत्र पर एक रन का अपना और अपने टीम का खाता खोलते हैं। इसके दिनेश काफी शॉट करा है इसके सर के ऊपर से दस्तक पे दस्तक सीधा लगेगा चार रनों के लिए। लीजिए चार रन जोड़ लीजिए अगले भैया सुपर चार कलवार। पटकी गेंद को ये क्या चला गया, देखो प्रयास बढ़िया था सर, प्रयास में सौ में से सौ मार्क्स मिलेंगे लेकिन मार्गे में सात में मिला। अच्छा कैचिंग पोजीशन और यहाँ पर अंपायर ने उलटा दिया है, दूसरे रन के प्रयास में होते हुए बड़ा झटका अखिलेश जो की बैंक रन मिल रहे थे, उनके जितनी तेज गति से रन भाग रहे थे उतनी तेज गति से उनको पहले रन जाना होगा। एक आत्महत्या होता हुआ क्रिकेट के मैदान में एक रनआउट के रूप में। सर बने रहेंगे हमारे साथ इस मैच में, चलिए मरते हैं। आहा बढ़िया शॉट गया, गिरने मौजूद है लेकिन और तीसरा झटका, क्या बात है रोहित भाई, नहीं माफ कीजिए रोहित नहीं रोहित भाई ने, लेकिन यहाँ पर अच्छा कैच पोजीशन करते हैं बढ़िया। ये दो गेंदों में दूसरा झटका लगता हुआ बैकफुट पर दिख रहा है दिनेश सर, अच्छा कैचिंग पोजीशन पर आते हुए बढ़िया बॉलिंग जिनकी तारीफ करें उतनी कम है, अद्भुत अप्रतिम अद्वितीय इसका सर सुपर। Yeah.
ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आप स्कोर देख सकते हैं, 8 रन बने हैं सौरभ भाई, आप जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब उनके कंधे पर भार होगा गेंदबाजी का। बढ़िया एक तालमेल दिखाया था बैटिंग के दरमियान, अब बैटिंग क्या था शुभम और दिनेश जो कि फिलहाल मिथिलेश बल्लेबाज अखिलेश और शुभम क्या होते हैं, मिथिलेश और दिनेश की पारी देखते क्या कमाल कर पाते हैं। अभी का सिंगल रन आता है, मिथिलेश अपना खाता खोलते हैं, टीम का स्कोर इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ 9 रन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बढ़िया ये बॉडी पर ले गई थी गेंद, हालांकि कवर पे आना चाहिए था एक्चुअली, यस बाउंस पे जोन वाले सही कह रहे हैं, हमारे विकेट कीपर का भी सही कहना है कि बाउंस पे जोन पर कवर बैकअप होना जरूरी है, कभी भी ध्यान दीजिए आपका बैकअप होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिंगल्स डबल के जब लेने जाते हैं बैट्समैन, तो उसमें अगर थ्रो मारते हैं कोई साथी खिलाड़ी तो उसके अक्रॉस अगर आप खड़े रहेंगे तो उस पर आपको क्या होगा एक बैकअप सपोर्ट मिलता है। चलो कोई बात नहीं सौरभ, तुम्हें एक बार 2 गेंदों में 2 रन देखा, सर क्या लगता है आपको माहौल इस क्रिकेट के मलिक प्रीमियर लीग को पहला सीजन में बहुत अच्छा इंतजाम, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए शब्द में। ये रन आउट का मौका मिलता है, लीजिए सर का भी स्वागत होता है कॉमेंट्री के दरमियान विकेट के रूप में। जी रहे जी, इस गेंद को हल्के से पिच किया था ऑन साइड बैटिंग स्टाइल के सामने और गेंद को जैसे थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइकर पर, सीधा गेंद जाकर स्टंप पर टकराई और इस तरह से रन आउट होकर तभी रन वापस आना पड़ेगा मात्र 10 रन के स्कोर पर। जी आप कह रहे थे कि 10 रन बने हैं निर्धारित 6 ओवर का मैच है, कम से कम 60 रन तो बनाने पड़ेंगे अगर एक चुनौतीपूर्ण टोटल यहां पर रखना है और एक डिफेंड करना है अपने गेंदबाजों को, तो इस तरह से एक अच्छा माहौल पर ये टूर्नामेंट होता हुआ ये खूबसूरत से ग्राउंड पर। विराज जी, जी सर जैसे आपने मार्गदर्शन दिया कि 60 रन तो बनने पड़ेंगे, वैसे भी कहा जाता है सर्कल से, सर्कल क्रिकेट ही इसीलिए होता है कि 10 रन पर ओवर के हिसाब से बनना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप हमारे साथ समय बिता रहे हैं और मुझे भी उसका मार्गदर्शन मिलता हुआ और हम दोनों के कॉमन फ्रेंड आशीष पांडे जी, नव भारत के न्यूज रिपोर्टर भी हैं आशीष पांडे, कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हैं, कभी कभी मौका मिलता है हमें उनके साथ जुड़ने का, एक माहौल है सर क्रिकेट परिवार। पंकज जी आए हैं और कट करने के प्रयास में यहाँ पर भी देते हुए बल्लेबाज जी के क्षेत्र में खेलना सोच रहे थे। जी रहेश जी, ये गेंद अच्छी गेंद थी, गुडलिंग गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की जगह से खड़े खड़े कट करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। चलिए अगली गेंद देखते हैं क्या करते हैं कमाल पंकज जी, सर की गेंद पर बढ़िया शॉट, सर क्या कहेंगे, क्या खूबसूरत चक्का सड़क पे करा 6 रन के लिए। इस गेंद को देख लिया था गेंद ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पर थे, टर्न होकर थोड़ा सा अंदर की ओर आ रही थी, अपने आप को पोजिशन किया मिड विकेट के ऊपर से खेल लिया सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, बहुत सुंदर शॉट। सर इंटरनेशनल में भी कुछ इस तरह के शॉट मैं तो एक्चुअली देखा नहीं हूँ बड़े स्टेडियम में, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा गंज जो है ये मंडल ऐसा एक इंटरनेशनल का ही एक कहते ना नजारा दिखाता हुआ महसूस कराता हुआ। ये लीजिए गेंद है, खिलाड़ी गेंदबाज सौरभ आते हुए, क्या बात है सर, क्या कहेंगे इस कैच का खुद बॉलिंग करते हुए। कॉटेंट बॉल इतना आसान नहीं होता है, अभी पीछे की तरफ दौड़कर काफी ऊपर गेंद थी, पहले अपने आप को पोजीशन किया गेंद के नीचे पे आया और दोनों हथेलियों में गेंद को संभालिया और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काउंटर से करते हुए हमारे सर अद्भुत अद्वितीय प्रतिम भाग्यशाली समझता अपने आप को, ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ में कमेंट्री करना एक छोटे से क्षेत्र के होकर यहाँ पर देखते गेंदबाजी के लिए अब कौन से गेंदबाज आते हैं और जरूरत है यहाँ पर और विकेट के साथ में रन को भी रोकने के लिए, क्योंकि स्कोर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और टीम का जो स्कोर है 16 रन। रवि जी लगातार अंतराल पर अगर आपके विकेट गिरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं रनों पे अंकुश हो जाता है और वही यहां पर देखने को मिल रहा है।
दौर की समाप्ति का 16 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन बने हैं, लेकिन चार बल्लेबाज दास्ता ने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। जी राजेश जी, धर्मेश जी के दौर कंप्यूटर बाहर होगा जो कि नॉन स्ट्राइक जोन पर है। पंकज जी एक बार पहले क्या बात है, पंकज का एक देख रहे सर बड़े में हो, जितनी तारीफ करूंगे उतना कम है। क्या कहते सर इस फील्ड के दरमियान में क्या जबरदस्त वन हैंड स्टॉप किया है, दो रन जरूर मिलते हैं। सुंदर प्रयास यहाँ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दाने हाथ से अपने छलांग लगाकर कैच करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन संतुलन नहीं बना पाए थे। परिणाम स्वरूप वहां पर एक जीवनदान मिला बल्लेबाज को और स्कोर एक रन के साथ बढ़ता हुआ 17 पर जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 12 रन बन चुके हैं, 2 रन लिया था इस अंतिम गेंद पर, अच्छी रनिंग डिफेंडर विकेट वहां पर। राजेश जी क्या कहना है, जिस तरह से अब यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, एक अच्छा ठंडा माहौल बना हुआ है, धूप और छांव अपने आप को पोजीशन बनाए तो बस अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए, और आप देख सकते कैच मिस होता हुआ अंपायर का इशारा, दोनों लगे आरसी मरेगा के पास 4 रनों के लिए। इस तरह के कैचेस अगर पकड़ने पड़ेंगे आपको मैच में बने रहने हैं। एक जीवन दान दिया है, परिणाम स्वरूप गेंद पहले बॉल पर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई सीधा 4 रनों के लिए। सर खिलाड़ियों का योगदान बहुत जरूरी है, जितना गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहा है उसी तरह मनोबल एक आत्मविश्वास अंदर से जागृत होता है। एज ए फील्डर आप हैं तो आपको फील्डिंग पोजिशन 2 कैचेस 2 गेंदों में थोड़ा सा नाखुश जरूर है, लेकिन देखते हैं कितना बढ़िया गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर अखिलेश। दोनों गेंदों पे विकेट चाहिए थे बट अनफॉर्चुनेटली 2 गेंदों में 6 रन आए हैं। क्या बेहतरीन अंदाज में जड़े डाले हुई गेंद का जवाब नहीं बल्लेबाज के पास, सर क्या कहेंगे इस गेंद पर, किस रणनीति के हिसाब से गए थे गेंदबाज। खुले लेंथ की गेंद थी, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर से लाइन पर नहीं थे, जगह पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गर्दन किया, आदरी अपील जरूर की थी लेकिन विश्वास कम था, एंपायर ने नॉट आउट करार दिया। जी अपील भी एक रीड किया है, मिड विकेट से करने वाली पर अच्छी कैचिंग पोजीशन पर आते हैं, एक बेहतरीन कैच करने जरा पेश किए हैं, मलिक का प्रीमियर लीग सर चढ़कर बोल रहा है। डीप मिड विकेट पर कृष्णा सर को वहां पर बहुत ही अच्छा पूर्वानुमान लगाया और गेंद को अच्छी तरह से अपने हथेलियों में समाते हुए बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह से 5वां बल्लेबाज लगभग आधी टीम राजेश भाई आउट होकर पवेलियन वापस आ चुके हैं डगआउट पर। डेफिनेटली सर एक आधी टीम का पवेलियन जाना 6 ओवर के मैच में आपको दर्शाता है कि आपकी टीम में कितनी वीकनेस है बल्लेबाजी में, और साथ ही तारीफ करूं यहाँ पर कृष्णा की, सौरभ की और सातवें अखिलेश की, ताबड़तोड़ जवाब मिलता हुआ गेंदबाजों के द्वारा। अखिलेश की जितनी तारीफ करो उतनी कम है सर, देखा जाए तो 3रा विकेट हो सकता था, 2 कैचेस छोटे जरूर है। नए बल्लेबाज संदीप चढ़ाए हुए वहां पर स्थान ग्रहण करने के लिए, स्ट्राइक पर एंड पर है जबकि गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर। सिलोन सब गेंद वहां पर अखिलेश सस्पना एक बार तैयार, ये ज्यादा से अपनी हालांकि बल्लेबाज पहले ही खेलना चाहते थे स्पीड से और गति से भी यहाँ पे थोड़ी सी निर्जी रनआउट का चांस है। वो बाल बाल बच्चे सर रन चुराने के ऊपर क्या कहेंगे आप, बिल्कुल सर राजेंद्र तालमेल की कमी थी वहां, दोनों ही बल्लेबाजों को स्ट्राइक पर जो खड़े थे बल्लेबाज रन लेने का प्रयास कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर पर खड़े बल्लेबाज ने बिल्कुल मना कर दिया, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिस कम्युनिकेशन वहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। सर नो डाउट तो मुझे पता है और यकीन भी है कि इतनी अच्छी कॉमेंट्री के दरमियान आप एक अच्छे क्रिकेटर भी होंगे, अपने समय में आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कौन से डिविजन्स तक खेले हैं, कैसे क्या प्रयास आपका क्रिकेट के जगत को लेकर, क्रिकेट के करियर को लेकर। जी धन्यवाद आपका, मैं झारखंड से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल चुका हूं और अब कमेंट्री और अंपायरिंग भी करता हूं, एक क्रिकेट से जुड़े रहने का मेरा एक फीवर के साथ ही 23 रन हो चुके हैं, 5 झटके लगे हैं, इस झटके से उभरना होगा और स्कोर बोर्ड जो गति है स्कोर को उसको बढ़ाना होगा। निर्धारित 6 ओवर का मैच चल रहा है, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन बन चुके हैं, 5 बल्लेबाज दास्ता ने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुके हैं, अब यहां से एक अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचना है तो।
सर झारखंड का क्रिकेट तो देने के बाद ही उभरा है, जैसे आप लोग तो वहाँ के एज ए सीनियर टीमें हैं, तो वहाँ पे डिविजन वाइज मैचेस को लेकर या फिर वहाँ के एसोसिएशन जो क्लब्स है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी हमारा सौभाग्य है कि जिसने क्लब से खेलता था हमारे अपोजिशन क्लब से सबक रिंग खेला करते थे सीएमपी राय रांची से, और मैं खेलता था धनबाद डिविजन से, सौभाग्य था हमारा कि करीम सबा करीम के साथ में खेल चुका हूँ। सबा करीम के अच्छे एनालिस्ट भी हैं और अच्छे कमेंटेटर भी हैं जहाँ तक मुझे पता है, बहुत बढ़िया भारत की तरफ से खेले हैं। जी विकेट कीपिंग के साथ अच्छे बल्लेबाज भी थे। सौभाग्य पूर्ण मानता हूँ मैं अपने आप को, आज रामनवमी के दिन में आप जैसे कमेंटेटर एक लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ कमेंट करने का मौका मिला, हमारा सौभाग्य है कि आप राजीव जी आशीष जी काफी अच्छी कमेंट्री लगातार करें। इस बीच गेंद को खेला है बॉलर के सर के ऊपर से गेंद चली जा रही है, देखना काफी देर तक हवा पर है, वहां पर वो फॉलो थ्रू है, बाहर निकलकर कॉर्नर बॉल करने का चांस जरूर किया था लेकिन गेंद इतनी दूर चली गई थी तो उनके पांव से बाहर। इस बीच बल्लेबाजों ने रन पूरा किया वहां पर। संजय प्रयास अच्छे थे सर, नो डाउट, बट मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि पृथ्वी राज के पास की गेंद और ऐसे बॉलर को पीछे मुड़कर कैच लेना ऐसा संभव तो नहीं है, बट ठीक है क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है। संदेश सॉरी संदेश गेंदबाज जी बिल्कुल आप फॉलो थ्रू पे आगे निकल जाते हैं, उसके बाद पीछे दौड़ कर कैच लेना इतना आसान नहीं है। लोअर स्टैंड एंड डिलीवर सुपर सर क्या कहेंगे, स्टैंड एंड डिलीवर पे मिलता हुआ आर पार गले की जाने की 4 रन के लिए, बिल्कुल इस बल्ले से निकलते हुए गेंद पे मानो लगा 6 रनों की मुहर सी लगी हुई मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए, बहुत सुंदर शॉट। चादुक भी शर्मा जाए इस शॉट पे, क्या जबरदस्त इस शॉट पे, अपडेट नहीं हो रहा है, एक बॉल पीछे हो रहा है। चलिए पुनः एक बार बढ़ते हैं, ये शायद कैच के लिए जाएंगे नहीं लेकिन एक रन के लिए भाग बड़े हैं, तो सिंगल सिक्स के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 पे जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अब यहां से रन तो बनने चाहिए और भी और बड़े बड़े शॉट्स भी आने चाहिए। फिलहाल यहां पर गेंदबाजी अभी भी एक नटखट शॉट जिसे कहा जाता है क्या चीज के लिए गेट है, हालांकि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए पूरी तरफ बीट हुए बॉल को भी गैदरिंग नहीं कर पाया, सीमा रेखा के बाहर 4 रन बने। सर नटराज शॉट को लेकर सचिन तेंदुलकर के बारे में जैसे कमेंटेटर ने कहा था क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, अभी इस तरह का शॉट T20 में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, खासकर सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल रहे हैं शॉट को, फाइन लेग पे भी और थर्ड मैन पर भी काबिले तारीफ है, काफी बल्लेबाज उनको फॉलो कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं इस तरह के शॉट खेलने में। जी सही बात है सर, टॉस थी हालांकि कमर के नीचे भी गेंद शॉट को दिशा में नहीं ढकेला, हालांकि बचा हुआ एक रन पर जरूर मिल पावा, कारपेट के सहारे गेंद लॉन्ग ऑन छेद पर चंपी जाकर फील्ड होती आसानी के साथ, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहल कदमी करते हुए अपने चोर बदले और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 36-36 पर जा पहुंचा है। शॉट सर ये बॉल इनका फुटबॉल की तरह नजर आती है और अगर चेंडी छक्के और 6 रन, मलिका प्रीमियर लीग सीजन पहला सर चढ़ के बोल रहा है बेट टू धमाकेदार, इतना सुंदर शॉट था राजीव जी की डीप मिड विकेट पर फील्डर जरूर खड़ा था लेकिन सिर्फ मुख में सर बनकर गेंद को देखता रह गया बॉडमैन से बाहर जाते हुए, सुंदर स्ट्रोक टाइमिंग इतनी जबरदस्त गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर ही दम ली और इस चक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42-42 पर जा पहुंचा है। सर जिसे आपने इतने सारे क्रिकेट से इतने सालों से खेल रहे हैं इसमें एक चीज है कि हमें तो टेनिस बॉल जो बॉल आने में जो समय 2-3 सेकंड लगता है, लेदर में तो ऐसे सीमाओं में विदिन सेकंड और सेकंड भी नहीं लगता बॉल को कटिंग क्रीज तक आने के लिए, नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक के लिए। इसमें एक शॉट मैं जिक्र करना चाहूंगा, रोहित शर्मा ने हरीफ को एक शॉट मारा था जो विदिन 1.5 सेकंड के अंदर बॉल हाथ से रिलीज होकर पवेलियन स्टेडियम पे गई थी, जो 6 मारा था आज तक का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉल था वो, कुछ इसके बारे में बताएंगे प्लीज सर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 42 रन, आधी टीम दास्ताने उतार कर सामने के नीचे आ चुकी है। जी आप जिक्र कर रहे थे अगली गेंद पर हम इसके चर्चा जरूर करेंगे।
दाने आखिरी ओवर द विकेट लेकर तैयार। एम्पायर और स्टंप्स के बीच से ये गेंद, अच्छी गेंद थी, इसको खेल दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के ठीक ऊपर से गेंद जब तक लॉन्ग लेग क्षेत्र पर पी ली थी। पहला रन काफी तेजी से लिया, थ्रो आया विकेट कीपर एंड में, लेकिन इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कि आसानी के साथ दो रन पूरा कर लिए। इस दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44-44 पे जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। सर वही जिक्र मेरा बार बार होता है कि जो बॉल का आना रिएक्शन टाइम जिसे कहा जाता है। बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप पॉइंट के, खिलाड़ी थोड़ा सा शॉट करीब रहा था, एक आसान से कैच, सर क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? जी पॉइंट पे खड़े फील्डर को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बाई है तो लंबी बॉल लगानी पड़ी, लेकिन गेंद इतनी ऊपर थी कि आसानी के साथ गेंद के नीचे जा पड़ गए और एक सुंदर सा कैच लेकर बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी। इस तरह से 6 विकेट गिर गया है यहाँ पर टीम की। जिक्र कर रहे थे आप लीडर बॉल की, थी उसमें सिर्फ टाइमिंग करना पड़ता है, इतनी जोर से आपको स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बॉल को देखिए, अगर गुड लेंथ बॉल है अच्छा से उसको सम्मान दीजिए, शॉर्ट ले शॉर्ट गेंद है या ओवर पिच गेंद है, टाइमिंग सेट कर दीजिए, आपको काफी रन अर्जित कर सकते हैं। सर काफी सालों से मैं भी छोटा सा क्रिकेट खेलता हूँ कॉलेज में या फिर जो भी खेलता था, तो मेरे जिन में एक सवाल ये भी था कि सर लेदर क्रिकेट वाला बंदा टेनिस क्रिकेट खेल सकता है क्या, या टेनिस क्रिकेट वाला लेदर खेल सकता है क्या? जस्ट ऐसे कहा जाता है कि टाइमिंग को लेकर थोड़े 19-20 होते, क्या है आपका इस पे उपाय या सुझाव या एक कहें आपका विचार? चूज करते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी, हल्के बाउंड्री रही है यहाँ पर, दो रन मिलता हुआ, क्या रन मिलेगी सुपर, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, अपर कट कर दिया है, गेंद वाइन स्टेटमैन के तरफ जब तक फील्ड होती है, एक बार फिर से दो रन आसानी के साथ अर्जित कर लिए। बहुत ही अच्छी है यहाँ पर क्रिकेट, एक कह सकते हैं कि सूझबूझ भरी भरी बल्लेबाजी, देख लिया था गेंद भी इतनी शॉर्ट नहीं है, खाली दिशा दे दिया, आसानी के साथ दो रन अर्जित कर लिए। खिलाड़ी बड़ा दर्शक सड़क तक कर चौका होगा, पॉइंट का खिलाड़ी के सर के ऊपर से 4 रन से मारेगा दबाव। इस तरह के शॉट सहवाग के बल्ले से देखने में काफी खूबसूरत लगती थी और उसी तरह का जाहना अंदाज में इस बल्लेबाज ने भी शॉट खेला, काफी सुंदर लगी। जी आप कह रहे थे कि लेदर बॉल में का बैट्समैन, देखिए आपका टेक्निक अगर लेदर बॉल में अच्छा है, आप टेनिस बॉल में आके उस हिसाब से खेल सकते हैं तो बिल्कुल आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर टेनिस बॉल में, आपके हार्ड हिटिंग होने चाहिए बॉल का। इस बीच एक और विकेट कर जीता हुआ, लगातार अंतराल, रन तो बन रहे हैं लेकिन लगातार अंतराल से विकेट गिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे सही कहा आपने, जैसे शॉट पे खुद बल्लेबाज नाखुश था, बिकॉज शॉट पे सोच रहा था बैकवर्ड पॉइंट के तरफ से मारने के लिए, लेकिन गली के क्षेत्र में खिलाड़ी को देखा नहीं या परखा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन खिलाड़ी के ठीक झोली में गेंद जाता हुआ और बल्लेबाज झूलते हुए पवेलियन की तरफ। 50 रन जरूर बने, दीपक ने वहां पर कैच लिया था, 50 रन जरूर बने हैं, लेकिन इन 50 रनों को बनाने में 7 बहुमूल्य विकेट खो दिया है आपने, लेकिन ये लिमिटेड ओवर का मैच है, यहां पर विकेट माने नहीं रखता है, रन की दरकार आपको ज्यादा से ज्यादा होती है ताकि एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा जा सके और अपने गेंदबाज को चुनौतीपूर्ण डिफेंड करने के लिए रन दिया जा सके। सर ये तो मुंबई सिटी में सभी जानते हैं, क्रिकेट का एक महासंग्राम महाकुंभ कहा जाता है, झारखंड नो डाउट एक उभरती सिटी से होने की वजह से फेमस हुआ, वहां पे टेनिस क्रिकेट का क्या है जलवा ऐसे पूछे तो वहां पे किस तरह से खेलते हैं, 6 ओवर के मैचेस या 10 ओवर के मैचेस में पता तो लीजिए, ये पॉइंट का खिलाड़ी जब तक दाहिने तरफ जाकर फील्ड करता, एक रन पूरा करते और थ्रो करते यहाँ पर 2 रन आसानी से, लेकिन अंदर का जरा लीजिए और दंग, दूसरे रन के चुराने की कोशिश में चोर पकड़ा गया। देखिए ये क्रिकेट में जब आप कोचिंग आपको कोच सिखाते हैं ना तो ये सिखाते हैं कि जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट डाल रहे हैं तो आपका बैट जो है ना पॉपिंग क्रीज पर बिल्कुल जमीन से सट के जाना चाहिए था, अगर उस तरह का यहाँ पर बॉल लगाते तो मुझे लगता है कि आउट होने से बच जाते, गेंद बैट हवा पर थी और गेंद स्टंप गिनिया भी खेल, एक बल्लेबाज जब रन आउट हुआ था तो ठीक उसी ने वही गलती किया था, बैटिंग क्रीज पर बैट घसराया नहीं था बल्कि पॉपिंग क्रीज के बाद बैट रखा था
और सेकंड थिंग मैंने टेनिस में देखा सर, ऐसा कहा जाता है लेदर में बॉल बैट को आपको कैरी कर कर रनिंग बिटवीन विकेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसको हैंगिंग कर कर कैरी करते हैं बैट्स को। ये को थोड़ा सा रूल्स समझ में आता है टेनिस का। वैसे संजय माजरेकर जी ने तो कहा है इफ यू वांट टू सी द रियल टीसीएम ऑफ क्रिकेट वी कैन वॉच वन एंड ओनली टेनिस क्रिकेट जी। इसीलिए तो कोचेस कहते हैं कि आप सही तकनीक के साथ अगर क्रिकेट खेलेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने में मजा आएगा। ये एक बड़ा जोखिम हो सकता है अगर आप टॉपिंग क्रीज पे पहुंच कर भी बैट नहीं रखने की वजह से आप रन आउट हो जाते हैं। सुबह की याद आता है वो रन आउट है श्रीलंका के विरुद्ध जो प्रयोग किया गया था, काफी दुख बड़ा क्षण था। चलिए समर जो 200 नंबर पर आए हैं 52 रनों में 8 विकेट खो दिया है। अगली गेंद एक बार फिर से तैयारी सुवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से समोत ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चलो टप्पी गेंद लीजिए टपके सीधे बाहर 6 रनों के लिए। सर क्या कहेंगे इस गेंद पर, बहुत खराब गेंद लगी थी मुझे। बिल्कुल शॉर्ट गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, कमर की ऊंचाई तक अपने आप को पोजीशन किया और गेंद को सीधे कलाइयों के सारे मोड़ से दिया जिसे पुल शॉट कहते हैं। पीक स्कोरिंग बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए सुंदर शॉट। जैसे मुंबई में तो ऐसे कहा जाता है कि पुल शॉट यहाँ का जन्म सिद्ध कहते ना एक शॉट है पुल शॉट के जाने माने रोहित शर्मा के बारे में जिसे आप जानते होंगे किंग ऑफ पुल शॉट। सर क्या कहेंगे पुल शॉट को लेदर क्रिकेट में ज्यादा खेला जाता है या इसको कोचेज ना कहते कि नहीं खेले ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आपके रडार पर अगर वो गेंद और गेंद शॉट हो लेग स्टंप की ओर हो तो बिल्कुल शॉट खेलना चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैंने देखा है खासकर इस तरह के शॉट खेलते। रिकी पॉन्टिंग एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हुआ करते थे, उनका भी पुल शॉट बहुत अच्छा हुआ करता था जी। एक ऐसा भी समय था कि भारत के सामने कोई शॉट बॉल डालता नहीं था, लेकिन जब से रोहित शर्मा आए हैं तो फॉरन की टीम लीजिए सर खड़े करो। अब तो मुझे लग रहा है गेंदबाज की भावना से खेलते हुए क्या पावर तोड़ बल्लेबाजी होती हुई एक आक्रमक प्रयोग अपना चाहिए। धर्मेंद्र भाई अपने धर्म के स्वरूप बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने पारी का, इन्होंने ये चौथा छक्का जा रहा है। सर क्या कहेंगे धर्मेंद्र जो नंबर 5 पर 6 पर आए थे और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल 8 विकेट गिरने के बाद भी अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी रणनीति के साथ आप देख रहे हैं कि हमारा टीम एक विकेटों के दौर से देखे तो बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से मोड़ लिया है सभी का और गेंदबाज की मानो इस तरह से प्रहार कर रहे हैं उनकी गेंदों को। कभी जॉर्ज बटलर और आज धर्मेंद्र यहाँ पर छक्कों की बरसात करते हुए इस बार जरूर बीते। अच्छा कमबैक गेंदबाज के द्वारा गुडलेन गेंद अच्छी गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के पास में, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बैट का भारी किनारा नहीं लिया। चलिए जो भी हो जैसा भी हो अच्छा क्रिकेट खेलना है कभी भी नहीं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा। बढ़िया यहाँ पर लड़कन निकल गई थी कोई रन नहीं मिलेगा। राजीव जी पिछली 2 गेंदों में गेंदबाज ने सबक लिया, थोड़ी शॉर्ट गेंद रखी थी आप दोनों ही गेंदे अच्छी फिलर लेन की डाली है और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं परेशान किया है। सौरभ की बल्लेबाजी देखने मजा आई थी सर पिछले मैच में, अभी भी यहाँ पर गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं। एक शॉर्ट बॉल और थोड़ा सा भारी पड़ा था उसके बाद दोनों बेहतरीन कमबैक करते हुए सर के अगली गेंद और इस बार शॉट क्या जबरदस्त यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। सर क्या कहेंगे इस शॉट को, बिल्कुल एक बार फिर से वही गलती की थोड़ी सी शॉट गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, अपने आप को पोजीशन किया और एक बार फिर से पुल कर दिया इस बार मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए अच्छा शॉट। सर कभी कभी बल्लेबाज को मुझे ऐसा लगता है बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता, इतने अच्छे कलाकार भी कला नहीं कलाकार कर जाते थे लेकिन बल्लेबाज की कलाई कहते ना खाने में रस वाले और बल्लेबाज की कलाई क्या जबरदस्त ये शॉट। क्रिकेट में सर कहते हैं कि गेंदबाज के अगर हाथ को आपने पढ़ लिया और गेंद के पिच को अगर पढ़ लिया ना तो आपको बल्लेबाजी करनी बहुत आसान हो जाती है। क्या बात है सर, नजर है बस यही चीज है, ये हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है रिलीज पॉइंट से लेके पिचिंग पॉइंट है। धर्मेंद्र का पारी का अंत हुआ बहुत बड़ा विकेट है बड़ी मछली जाल में फंसती हुई।
70 रन बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। 69 बनाया है उन्होंने 6 ओवर के समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर। 70 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है वैसे मैचेस में देखा जाए 6 ओवर के मुकाबले। यहां पर अब जो सौरभ और हमारे डॉक्टर वेद जी जब आएंगे बल्लेबाजी के लिए तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन उनको भी संयम लगाकर और संयम बनाकर खेलना होगा बिकॉज चेस करके
35 गेंदों में 70 रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। पहली गेंद पर एक रन मिल चुका है, अब देखना है कि किस रणनीति के साथ दोनों ही बल्लेबाज, क्या उनके कप्तान ने उनका संदेश लेकर गए हुए हैं कि पहले ओवर से किस तरह का बैटिंग करना है। लगभग 11.5 से ज्यादा आस्किंग रेट है प्रति ओवर, थोड़ा सा तो यहाँ जोखिम भरा शॉट लेना ही पड़ेगा, खराब गेंदों को बाउंड्री से बाहर भेजना ही पड़ेगा अगर लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। इस ओवर की दूसरी गेंद, देने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद भी खेला है, कॉपेज लगा है और देखना है बॉलर बहुत ही सुंदर कॉट एंड बॉल, वहां पर बहुत ही सुंदर पूर्वानुमान। हितेश जैन का बहुत बहुत स्वागत है आपका, न्यूरोसर्जन है आप और मल्लिका जैन से आप है, बहुत ही स्वागत है आपका। सौभाग्य है कि इस टूर्नामेंट में आपने अपना वक्त कीमती वक्त दिया है। एक बार फिर से तैयार कौन है बैट्समैन, नए बल्लेबाज डॉक्टर सौरव निकले। इसकी अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद होगी संभवतः, शॉर्ट गेंद उछलती हुई गेंद, स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था एक बार फिर से, गेंद अब बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गैदर किया। स्कोर अभी भी एक रन एक विकेट के नुकसान पर, पारी का पहला ओवर चलता हुआ, 70 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, टाइम सेट नहीं कर पाया लेकिन फिर भी गेंद बॉल लाइन की तरफ चली जा रही है, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर गेंद, एम्पायर का इशारा, बाया की गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से पार हो गई, तो इस इनिंग का पहला चौका। फिर से शॉर्ट गेंद थी, इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, फाइन शॉट, फाइन लेग पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर अभी भी चलता हुआ। गेंद को भी बैट की बैटिंग बीच बीच से लेकर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है सुंदर 6 रनों के लिए और इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर, पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ।
गेंद और बल्ले के बीच एक बहुत ही अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद थी, गुडलेन गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था। एक बार फिर से गेंद की लाइन पर नहीं थे, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। अगली गेंद कह सकते हैं कि पिछली गेंद की रिप्ले थी, लेकिन इस बार गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कॉट बिहाइंड लिया और इस तरह से दूसरा विकेट। मात्र 15 रन पर दो बल्लेबाज पवेलियन वापस आ चुके हैं। दिनेश विकेट कीपर बहुत ही सुंदर, पंद्रह रन बने हैं, 70 रनों का लक्ष्य है, जरूर यहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। डॉक्टर कमलेश सर ने बल्लेबाज वहां पर मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए, देखना है बची हुई गेंद को किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि आस्किंग रेट है वो भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस से लेके ऑन साइड रिटर्न करने का प्रयास किया था, गेंद वहां पर थाई पैड पर लगी और सिली मिड ऑन क्षेत्र पर चली गई। जब तक विकेट के पीछे से आकर गेंद को फील्ड करते, रन लेने का कोई वहां पर जगह नहीं था और ना ही दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई इरादा बनाया था। और इस गेंद को हल्के से स्क्वायर कर दिया शॉर्ट थर्ड मैन में, जब तक गेंद फील्ड होती आसानी से नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन ने बहुत सुंदर कॉल किया था और भरपूर शॉट दिया वहां पर स्ट्राइकर ने, एक रन आसानी के साथ हासिल कर लिए। 16 रन दो विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ, 70 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। गेंद सुंदर स्ट्रोक कवर शॉट पर, 4 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद थी, देख लिया था थोड़ी सी लूज गेंद है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। तो 11.5 से जो ऊपर आस्किंग रेट है लगभग थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि उसी आसपास उसी दरमियान पर खेला जा रहा है। नए गेंदबाज डॉक्टर सूर्या, अब देखना है कि किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहले दो ओवर उन्होंने देखा है कि हमारे गेंदबाजों ने किस तरह से गेंदबाजी की, 2 विकेट जरूर वहां पर गिरे लेकिन 20 रन भी अर्जित कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। तो अभी कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों के लिए जो बैलेंस बना हुआ है, यहां से कोई भी टीम अच्छा खेल का प्रदर्शन करके मैच में अपनी पकड़ बना सकती है। तीसरे ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा लंबा रन अप देने आज से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, ओवर द विकेट ये गेंद शॉर्ट गेंद से खेल दिया है, वाइड इस लॉन्ग ऑन के सेट पर। जब तक गेंद को फील्ड करते पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे रन की संभावना तलाश कर रहे थे वहां पर, लेकिन तेज तर्रार फील्डर जिस तरह से गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, सारी संभावनाओं को समाप्त किया दूसरे रन की, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। 2 बल्लेबाज दस्ताने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। एक बार फिर से तैयार, इस ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद होगी और साइड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार दाहिने हाथ से। ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास जरूर किया था जगह से खड़े खड़े, एक बार फिर बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, 70 रनों का लक्ष्य निर्धारित 6 ओवर पर। ये गेंद दिशाहीन गेंद, एम्पायर का दोनों हाथ समानांतर यह संकेत देता हुआ कि यह वाइड गेंद है, और इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 22 पर जा पहुंचा है 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस,
सुंदर शॉट खेला जरूर है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस आना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइमिंग सेट नहीं कर पाए, अगर गेंद बैट के बीचों बीच लगती तो निश्चित ही। रहने ने बहुत सुंदर कैच लिया, खास करके जब जब गेंद काफी ऊपर होती है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर आप फील्डिंग करते रहते हो तो इतना आसान नहीं होता इस तरह के कैच लेना। बहुत ही सुंदर जज किया और गेंद को दोनों हाथों के हथेलियों में संभाल लिया और इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ मात्र 22 रन के स्कोर पर। नए बल्लेबाज डॉक्टर पाल, डॉक्टर संजय पाल, देखना है अपने बल्ले से किस तरह का जौहर दिखा पाते हैं। एक बार फिर से तैयार, पट्टी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ऑफ साइड से खेलने का जरूर प्रयास किया है। गेंद काफी देर तक हवा पर थी, कवर के फील्डर गेंद तक पहुंच चुके थे। एक गेंद पर दो जीवन दान आपको नहीं मिल सकते हैं, पहले तो कैच आपको जीवन दान मिल चुका था, रन लेने के लिए भाग गए थे वहां पर, बिना किसी झिझक के थ्रो कर दिया था वहां विकेट कीपर एंड में और सीधा गिल्लियां बिखेरती, इस तरह से रन आउट होकर 14 विकेट गिर गया है यहाँ पर टीम का। दरकार नहीं थी यहाँ पर, देख लिया था कि आप इस तरह के रन लेने की दरकार नहीं थी, देख लिया था आपको एक रन मिल गया था, वहां पर कैच भी छूट गया था, थोड़ा था आत्म चिंतन करने की जरूरत थी आपको अगले शॉट के लिए, लेकिन एक जोखिम भरा रन लेने का प्रयास किया, परिणाम स्वरूप आपका विकेट का पतन हुआ जो कि टीम के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इस ओवर की दो गेंदें आनी अभी भी शेष, पहले हाथ से ओवर द विकेट एम्पायर को क्रॉस किया। ये गेंद एक बार फिर से उछलती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्क्वायर डाइव करने का एक बार फिर से प्रयास किया था, संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। 23 रन पर 4 विकेट गिर गए हैं। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष, आइए अगली गेंद फुलर लेन चैल करने करते हुए गेंद के पिच तक पहुंचे, एक्स्ट्रा कवर पर छेद पर खेल दिया है और थ्रो किया है बहुत सटीक थ्रो वहां पर, लेकिन रन लेने का जो दूसरा प्रयास किया था बिल्कुल सही समय पर अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर आ गया, अन्यथा एक और वहां पर खतरा हो सकता था। कुल मिलाकर 24 रन बन चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद, लेकिन 4 बहुमूल्य विकेट खो दिया है इस दरमियान। अब देखना है कि बचे हुए 3 ओवर में जो बनाने हैं उनको रन लगभग हमारे स्कोर 37 बनाने हैं और कितने बनाने हैं, 46 चाहिए 18 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता है, 6 विकेट अभी भी सुरक्षित है उनके पास में। डॉक्टर हितेश जैन सर का स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, वीरोलॉजिस्ट है सर, और समझ सकते हैं कि इतनी बिजी शेड्यूल में भी वक्त निकाल कर यहाँ पर आना हमारे लिए एक सम्मानजनक बात है। मल्लिका हॉस्पिटल उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना वक्त दिया। नफीस की अगली गेंद, इस बार इसको खेल दिया है ऑन साइड में, गेंद मिडिल विकेट छेद पर चली जा रही है, फील्डर जरूर वहां पर कैच के लिए आए थे लेकिन जब तक पहुंचते रन आउट का एक बार फिर से सारा, लगभग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकेटों के बीच में जो दौड़ है उसमें कैलकुलेशन सही नहीं कर पा रहे। राजू सर हमारे साथ जुड़े हैं, अब बताएंगे आगे का आपको देखा। सर मैं तो एक ही कहता हूँ, एक क्रिकेट के मैदान में अगर आपको आत्महत्या करना हो तो रन आउट होना है, मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि रन आउट नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरह के फील्ड पे आउट होते हो, एक हेड विकेट भी है तो रन आउट ज्यादा खलता है। सर क्या कहेंगे, आपके दृष्टि में कोई भारत का मैच है जिससे पर्स आप पलटा हो या कुछ ऐसे कुछ क्षण झारखंड के क्रिकेट के द्वारा बड़े मैच में बड़े टूर्नामेंट में?
जी बिल्कुल, रन आउट कह सकते हैं ना कि अगर आप में काबिलियत है, क्षमता है तो रन आउट ना हो, अगली गेम पर जोरदार प्रहार करके उसे वापस कर सकते हैं, जो एक रन के चक्कर में आप रन आउट होते हैं। थोड़ा सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो ही जाके आप एक अपने जो टोटल है लक्ष्य तक वहां पहुंच पाएंगे। अब आप सर बढ़िया भोजन थी, हालांकि एक क्रॉस पर लाइन गए थे, बॉल और बैट का संपर्क लिए, उसके बाद का काम विकेट के ऊपर दस्तानों में करते हैं। वैसे ऐसे कहते हैं ना एक हिंदी भाषा में, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर, गेंद कहीं थी और बैट कहीं चला रहे थे, नजरे कहीं निशाना कहीं। जी सर एकदम बढ़िया, आपके शब्द एक एक कहते ना वर्ड्स, आपके गोल्डन वर्ड से कम नहीं, काफी प्रेरित हो रहा हूं मैं और आप लोगों से ही सीखा हूं। इस बार गुडलैंड पर बढ़िया लेंथ और लाइन, इस बार उछाल थी सर, क्या कहेंगे इस गेम के बारे में आप उछाल के लिए? बिल्कुल, ये अच्छी गेम थी और अच्छे अच्छे बल्लेबाज इस गेम का अभी तक शॉट नहीं ढूंढ पाए हैं। जब तक अगर आप एलिवेशन नहीं बनाएंगे इस शॉट को खेलने के लिए, गुडलैंड गेम को जगह से खड़े खड़े खेलना इतना आसान नहीं होता। सर सही बात है, आपने सही कहा कि खड़े खड़े रहना, फुटवर्क का यूज ही ना हो, गुडलैंड पर बॉल हो थोड़ा सा पीछे जाके कट करना, एक से खासियत कहा जाता है गुडलैंड पर बॉल हो तो थोड़ा सा बैकफुट पर जाके उसे पंच या कट करके रन छुड़ाया जा सकता है, बट तो कहते ना सोचना समझना। मुझे आगे बढ़े देखकर चयन कर्मी करते हुए, हालांकि सिंगल जरूर और एक से संतुष्ट होना पड़ेगा, लॉगन का खिलाड़ी जब तक तो फील्ड करता एक रन पे रहता हुआ, टीम का टोटल स्कोर जो बना इस समय 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सर विकेटों की झड़िया यहाँ पे भी झड़ रहे पतझड़ के जैसे, और वहां पे तो क्या ही कहने, मैं धर्मेंद्र की तारीफ करूंगा, क्या ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी पिछले क्रम में, माइकल डेवन ऑस्ट्रेलिया के उनके याद दिलाते हुए चार छक्के जड़े, कुछ ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आपको याद होगा सर। रन आउट से मुझे याद है अजहरुद्दीन का वो थ्रो जो बाउंड्री लाइन से सीधा थ्रो किया था और अब्दुल कादिर को रन आउट करके भारत को मैच अपने झोली में डाल दिया था। वो तो सर गोल्डन डेज था, मैं तो बहुत छोटा था मुझे याद नहीं, बट मैंने मैचेस सुने हैं इसके बारे में, कभी कभी यूट्यूब पे डाल के सर्च करते रहता हूँ। सर जो वाणी थी क्रिकेट के दरमियान जो कमेंट्स देना या कमेंट्री करना, रेडियो पे सुनना जितने मजा आते थे, मुझे लगता नहीं आज के जनरेशन उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं। तो बढ़िया गेंद उछाल ही बार बार बीट करती और यहाँ पर उंगली उठती अंपायर की, सर मैं कुछ समझ नहीं पाया कि गेंद को क्या हुआ, एक्स्ट्रा बाउंस और बल्ले का बारी किनारा लगा ऐसा लग रहा है, उसके बाद विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ। जी बिल्कुल, काफी दोनों में काफी अनुभवी एम्पायर हैं, देख लिया था कि बाहरी एज लगा है वहां पर, विकेट कीपर ने अपील जरूर की थी एम्पायर ने, अंततः उन्हें आउट करार दिया। तो इस तरह से लगातार विकेटें गिर रही हैं, आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा है, एक चिंता का विषय बना हुआ है बल्लेबाजी टीम के लिए। अच्छा सर एक बात और कहूंगा, कल से जो कहते ना क्योंकि बॉलर के रूप में एक ब्रह्मास्त्र यॉर्कर जी, तो 27 रन बने हैं टोटल अब तक, ज्यादा यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, मैंने देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर डॉक्टर नीलेश सर, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे मलिका प्रीमियर लीग 2024 के रंगमंच पर, रेडियोलॉजिस्ट हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, कल से सर चढ़ के बोल रहा है मलिका प्रीमियर लीग, सर पहली बार हुआ है लेकिन काफी अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पर रोशन सर है और साथ ही केशनाथ सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारी डॉक्टर्स की टीमें हैं सर, इसमें कंपल्सरी डॉक्टर की डिग्री होना चाहिए, एक उनका अलग मेरिट लाइफ का पहला मैच है कि डॉक्टर्स की जो टीम होती है या टीम कहते हैं या फिर जो भी आपके डॉक्टर्स है उनका मैचेस हो रहा है, मेरे नजर में तो पहली बार मैं मेरी लाइफ में कर रहा हूँ। और इस गेंद को खेल दिया है ऑर्थोपेडिक सर्जन गिरीश सावकरे, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है मलिका प्रीमियर लीग के रंग मंच पर, हमारे सभी सर्स के द्वारा वेलकम टू अवर एमपीएल सीजन, पहला 2024 का ये पहला सीजन है। पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं बच्चों के, डॉक्टर रुचित साह, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। राजेश सर स्वागत है, हम सभी उन डॉक्टरों का करते हैं जिसे डॉक्टर को हम एक भाषा में कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप होता है, हमें जिंदगी देता है। जब हम हॉस्पिटल से घर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरी जिंदगी मिली है और दूसरी जिंदगी देने वाला वो डॉक्टर ही होता है। जी सर सही बात है,
लगातार अंतराल पर कुछ अच्छे शॉट दिखने को मिल रहे हैं और इसी तरह के शॉट खेलने पड़ेंगे, थोड़ा जोखिम लेना पड़ेगा अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। अच्छे शॉट दिया जी सर, बढ़िया स्क्वायर पर जब भी शॉट लगते हैं तो दर्शनीय शॉट, एक पैर पे खड़े होकर खेलना बढ़िया अच्छा लगता, मजा आता। नौ गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है अब इस मैच को जीतने के लिए। लगातार तीन गेंदों पर 3 सिक्स लग चुके हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, गेंद को सफल होकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था एक बार फिर से विकेटकीपर ने, गेंद को गैदर किया और इसी के साथ अच्छी गेंदबाजी कमबैक करते हुए लगातार तीन गेंदों में 6 रन बन चुके थे और इस पिछली गेंद को डॉट किया। राजेश जी जी सब डॉटते हैं तो बहुत भारी पड़ गया आपसे इसके पहले, लीजिए रिवर्स खेला है, क्या बात है, बड़े बॉल का संपर्क बढ़िया और सिर्फ खिलाड़ी देखते रह गए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर, पॉइंट और बैकवर्ड के पॉइंट के बीच में से 4 रन आता हुआ सीधा रखा के बाहर। कुछ साल पहले इस तरह के शॉट खेलने के लिए बैट्समैन झिझकते थे और अब ये कह सकते हैं कि एक स्कोरिंग शॉट हो चुका है। अगर सभी जगह फील्डर तैनात है तो आपको एक बेस्ट ऑपर्चुनिटी है कि आप रिवर्स स्वीप कर दें और विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीच से जो गेंद बॉल लाइन से बाहर चली जाए 4 रनों के लिए। काफी जगह बार तो देखा गया है कि इस तरह के शॉट में 6 रन भी बल्लेबाज हासिल कर लेता है। फुल टॉस से लेकर खेल दिया है, ऑन साइड में फील्डर मौजूद है वहां पर जरूर, बहुत ही सुंदर टीम के ऑलराउंडर है बल्लेबाजी और गेंदबाजी और अब साथ ही साथ अच्छी फील्डिंग भी कर लेते हैं। छह गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है यहां पर इस मैच को जीतने के लिए, अभी भी पॉसिबल है कह सकते हैं कि इस तरह के मैचेस काफी जीते गए हैं बल्लेबाज बल्लेबाजी करके, लेकिन कभी कभी होता है कि गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी से अपने झोली में इस तरह के मैचेस को डालते हुए देखा है हमने। अब देखना है बचे हुए 6 गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, किस तरह की गेंदबाजी होती है, कौन अपना पल्ला भारी कर सकता है। जी हमारे साथ नए कमेंटेटर हमारे डॉक्टर सर। जी सर आप नमस्कार, सुना आप झारखंड से हैं, मैं बिहार से हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे जन्मभूमि भले ही झारखंड बिहार हो, हमारी कर्मभूमि महाराष्ट्र है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं। जी 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 एब्सोल्युटली, और ये 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है कांदूल स्ट्राइकर्स को, काफी मुश्किल सा लक्ष्य, गेंदबाजी करने आए हैं मिथिलेश यादव और पहली गेंद लेके वाइड का इस, नहीं वाइड नहीं, 5 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, काफी मुश्किल सा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, 2-4 लंबे हिट लगाने होंगे। क्या रिंकू सिंह की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? कहाँ सा रिंकू सिंह यहाँ मौजूद होते, 4 गेंदों में 4 छक्के लगा के कांदूल स्ट्राइकर्स को उस पार ले जाते हैं। सर सक्षम है ये बल्लेबाज भी, देखते जाइए आगे आगे, और शानदार शॉट हवा में है बल्लेबाज, ओ मिथिलेश के बारे क्या कहूं, हर क्षेत्र में अपना 100% एफर्ट देते हुए, या तो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो या तो फिर फील्डिंग हो। जी सर मार्वल्स अपने दूसरे जीत की ओर अग्रसर होते हुए शानदार गेंदबाजी, पहले शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अब शानदार गेंदबाजी, 3 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, हर गेंद में 7 रन बनाना होगा जो काफी मुश्किल इम्पॉसिबल का लक्ष्य है, अंटेनालेस एक 9 बॉल डाला जाए और उसमें एक लंबा हिट मारा जाए। कल देखा था हमने कोलकाता नाइट राइडर के एक ऐसे ही खिलाड़ी को जिन्होंने पहले अच्छी बल्लेबाजी की और बाद में अच्छी गेंदबाजी और कैच भी लिए लेकिन अंत में टीम हार गई थी। बटलर जैसा बल्लेबाज हो तो क्या नहीं हो सकता। जी कह सकते हैं कि अपने दम पर कल के मैच को राजस्थान के झोली में डाल लिया था। यादव ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, जरा भी मारने का मौका नहीं दे रहे, बांध के रख दिया है बल्लेबाजों को।
अंतिम ओवर में 21 रन बना रहे थे और जहां आप डॉट गेंदे कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप अच्छी टीम के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद को खेल दिया स्क्वायर, लेकिन पैर के पीछे गेंद चली जा रही है। जब तक गेंद फील होती, पहला रन काफी तेजी से लिया, थ्रो आया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, दूसरे रन की से कोई संभावना नहीं थी, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब ये मैच बस औपचारिकता के लिए रह गया है, एक गेंदों में 18-19 रनों की जरूरत है। जो ये चौका लगा और कांदी वाले स्ट्राइकर्स पराजित हो गए इस मैच में। मेट्रो मॉलवेज ने मैच को जीत लिया है 15 रनों से। शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए टीम मेट्रो मार्बल्स लगातार दो मैचों में दो जीत हासिल किया है। पहला मैच उन्होंने बहुत ही शानदार थी मल्लिका जैम्स को हराया था। दो मैचों में दोनों जीत कर टॉप पे बने हुए हैं मेरे मेट्रो मार्बल्स। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा।